हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर साइंस पार्ट वन का चैप्टर सिक्स डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डेटा प्रोटेक्शन एंड लेजिस्लेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। डेटा प्रोटेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज पर्सन। कि जब हम अपने किसी पर्सनल डेटे को अनऑथोराइज पर्सन से हाइड करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हैं डेटा प्रोटेक्शन। एक एग्जांपल से समझे कि लेट्स सपोज ये आपका एक बैंक है जिसके सिस्टम के अंदर उसके जो भी कस्टमर्स हैं उनका जो डाटा है वो इस सिस्टम के अंदर सेव है। अब सपोज करें कि ये आपका कस्टमर ए है, ये कस्टमर बी है और ये कस्टमर सी है। अब कोई थर्ड पर्सन यानी कि एक पर्सन एक्स आता है और वो बैंक को कहता है कि उसे कस्टमर बी का डाटा चाहिए, तो क्या बैंक उसको वो डाटा प्रोवाइड करेगा? जी नहीं, बैंक उसको ये डाटा प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन एक्स है ये एक अनऑथराइज्ड पर्सन है और अनऑथराइज्ड पर्सन को आप किसी भी कस्टमर का डाटा शेयर नहीं कर सकते। सो द अनऑथराइज्ड पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सेस और यूज डाटा विदाउट द परमिशन ऑफ पर्सन होम इट बिलोंग्स। कि हम किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को तब तक डाटा शेयर नहीं कर सकते जब तक वो पर्सन जिसका हम डाटा शेयर करने जा रहे हैं वो उसकी इजाजत ना दे दें। तो इस चीज को बेसिकली हम कहते हैं डाटा प्रोटेक्शन, कि आपने यूजर का कोई भी डाटा अनऑथराइज पर्सन के साथ शेयर नहीं करना। और इसी डाटा प्रोटेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन की जाती है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। लेजिस्लेशन का मीनिंग आपको पता होगा, लेजिस्लेशन मीन्स होते हैं लॉ, जो हर कंट्री अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाते हैं। हर कंट्री के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं लाइक इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, मेंटेन ऑर्डर और प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी कंट्री के लॉ बनाने के। इसी तरह से डेटा प्रोटेक्शन का लॉ भी हर कंट्री के एक्ट में शामिल होता है। सो मैनी एडवांस कंट्रीज डिफाइन द डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। कि बहुत सारी एडवांस कंट्रीज जहाँ पर आईटी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन की लेजिस्लेशन की हुई हैं। These countries enforce these laws very strictly. और वो कंट्रीज इन लॉज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं और इस बात को इंश्योर करती हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी यूज़र का डाटा उसकी परमिशन के बगैर किसी के साथ शेयर ना करे। लाइक अगर हम कुछ कंट्रीज की एग्जाम्पल लें, हमारे पास USA, कैनेडा, UK और जर्मनी, ये चारों डेवेलप कंट्रीज हैं। इनके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और ये चारों की चारों कंट्रीज डेटा प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं उसके ऊपर बहुत अहमियत देती हैं, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन का अंदाज़ा हम एक एग्जांपल से ले सकते हैं कि USA की एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी फेसबुक, आपको पता होगा, आप लोग फेसबुक इस्तेमाल भी करते होंगे, जो कि एक USA बेस्ड कंपनी है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में एक स्कैंडल सामने आया जिसमें यह बताया गया कि फेसबुक शेयर्स 87 मिलियन यूजर्स डेटा विद अ पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म। कि फेसबुक ने 87 मिलियन यूजर्स का जो डाटा है वो एक फर्म के साथ यूजर की परमिशन के बगैर शेयर किया, जिसके रिस्पॉन्स में फेसबुक के ऊपर डाटा प्रोटेक्शन लॉज के तहत केस हो गया। अब उस केस के नतीजे में इनको $5 बिलियन का फाइन पे करना पड़ा और ये इस वजह से हुआ क्योंकि उस कंट्री के अंदर डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंट हुई हुई थी। तो इस तरह से कोई भी गवर्नमेंट अपनी कंट्री के अंदर इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो यूजर्स का डाटा है वो सेफली ऑर्गेनाइजेशन स्टोर करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की जिसकी बेस के ऊपर डाटा प्रोटेक्शन एक्ट कोई भी कंट्री बनाती है। तो दो आपके पास मेजर प्रिंसिपल्स हैं। नंबर वन, पर्पस ऑफ कीपिंग डाटा मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपका डाटा कलेक्ट कर रही है वो क्लियरली आपको बताएगी कि वो उस डाटे को किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेगी, तो पहला प्रिंसिपल ये होता है। सेकेंडली, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी इन्फॉर्म टू द इंडिविजुअल। कि अगर यूज़र ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहता है तो उस यूज़र को ऑर्गेनाइजेशन की तमाम डिटेल्स बताई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूज़र उस कंपनी के ऑनर की डिटेल चाहता है तो उसको बताई जाएंगी, या उस कंपनी की कोई इंटरनल वर्किंग के बारे में कोई डिटेल जानना चाहता है तो वो कंपनी इस बात को बताने की पाबंद होंगी। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं जिनको माइंड पे रखते हुए कोई भी कंट्री अपने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाती है। सो आज हमने डिस्कस किया डेटा प्रोटेक्शन क्या है और डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन के जरिए किस तरह से हम
इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो सेफ रहे और किसी भी अनऑथराइज पर्सन के साथ वो शेयर ना हो सके। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।